अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ एसटीएफ ने आज गैंगस्टर और कुख्यात भूपेंद्र बाफर को गिरफ्तार कर लिया। जानसठ कोतवाली क्षेत्र में कोर्ट से पेशी से लौटते समय शातिर बदमाश रोहित सांडो को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के मामले में कुख्यात भूपेंद्र बाफर के कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे, जिसमें बुधवार को एसटीएफ की टीम ने भूपेंद्र बाफर को गंगानगर थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी उसके घर से गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 जुलाई 2019 को पेशी से लौटते समय मंसूरपुर थाना क्षेत्र के जोहरा गांव निवासी शातिर बदमाश रोहित सांडू को कार सवार बदमाशों ने जानसठ क्षेत्र में एक ढाबे पर खाना खाते समय पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया था। यहां हुई मुठभेड़ में मिर्जापुर पुलिस के एक दरोगा भी शहीद हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने मेरठ जिले के जानी थाना क्षेत्र के गांव बाफर निवासी भूपेंद्र समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। रोहित की फरारी में भूपेंद्र बाफर का दिमाग बताया गया था। पुलिस ने भूपेंद्र समेत कई लोगों को जेल भेज दिया था। भूपेंद्र बाफर पर गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसमें कोर्ट ने भूपेंद्र बाफर का वारंट जारी कर दिया था। तभी से भूपेंद्र फरार चल रहा था। एसटीएफ की टीम ने बुधवार को भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।